ये DIY आपके बेबी हेयर जो स्किन पे है फेस पे उसको निकालेगा और आपके फेस को एक टोन क्लीन ग्लोइंग और निखार देगा। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखें, स्किप ना करें। आज मैं ऐसा DIY लेके आई हूँ जिससे आपके बेबी हेयर निकलेंगे निकलेंगे ही, साथ ही साथ आपका जो स्किन है वो ग्लोइंग एक टोन क्लीन और निखार आएगा। तो आजकल की नॉर्मल सी प्रॉब्लम है कि लोगों के फेस पर बहुत सारे बाल होते हैं, किसी किसी के तो बहुत ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से वो परेशान रहते हैं। तो ये जो होम रेमडीज है DIY है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और आजकल बहुत वायरल ये DIY है। तो पूरा एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। जब आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा आपको यूज़ कैसे करना है। सारा रेमडीज आपके किचन से ही मिल जाएगा आपको, इतना सा भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस आपको ये DIY में 2 से 3 बार यूज करना है, फिर आपको रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपके साथ ही साथ सारा प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। जो भी प्रॉब्लम है मैं 100% लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी और 100% मैं गारंटी ले रही हूँ कि आपका जो भी प्रॉब्लम है स्किन का वो धीरे धीरे इस DIY से खत्म होगा ही। साथ ही साथ आपका बेबी हेयर एकदम से, आप हफ्ते में 3 दिन यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि एकदम से निकल जाएगा, आपको पार्लर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल पार्लर वाला निखार आपको घर पे ही मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मेरे वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट्स भी दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ 5 टेबल स्पून दूध लिया हुआ है और 2 टेबल स्पून कॉफ़ी लिया हुआ है, 1 चम्मच कोकोनट ऑयल लिया, आप इसके जगह रोगन बादाम ऑयल ले सकते हैं। और फिर मैंने लिया है 1 चम्मच हल्दी, आधी चम्मच हल्दी सॉरी। और फिर मैंने 2 टेबल स्पून लिया है यहाँ पे आपका शुगर। और फिर मैं लूँगी 2 टेबल स्पून आटा, अगर आप चाहे इसके जगह बेसन यूज़ कर सकते हैं या फिर जो चावल का आटा यूज़ कर सकते हैं, पर वो इतना यूज़फुल नहीं होगा जितना यूज़फुल आपका आटा होगा क्योंकि वो चिपकता है हमारे फेस पे। तो मैं यहाँ दूध को उबाल लूँगी, उसमें डालूँगी हल्दी, फिर उसमें मिक्स करूँगी 2 टेबल स्पून चीनी, फिर उसमें ऐड करूँगी मैं आटा। आप आटा ही यूज़ कीजिएगा, आटा अच्छे से आपके फेस पर चिपकता है, आटा और जो चीनी होता है अच्छे से चिपकता है शुगर, और फिर आपका जो हेयर है बेबी हेयर वो निकल के बाहर आएगा। मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी, फिर मैं कोकोनट ऑयल मिक्स कर दूंगी मैं अच्छे से, उसको भी मिक्स करने के बाद अच्छे से चला लूंगी। थोड़ी देर गर्म होने के बाद मैं उसके बाद इसमें मिक्स करूंगी आपका जो है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर मिक्स करने के बाद आपको फ्लेम जो है ऑफ कर देना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। मैं अच्छे से यहाँ कॉफ़ी पाउडर मिक्स करने के बाद अच्छे से फ्लेम को ऑफ कर दी हूँ, उसके बाद मैं मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद आपको ठंडा होने देना है, उसके बाद ही यूज़ करना है, बहुत ठंडा नहीं होने दीजिएगा। अगर आप बहुत ठंडा ये होम रेमडी DIY होने देंगे तो आपके फेस पे अच्छे से लगेगा नहीं, और लगेगा नहीं तो आपका जो बेबी हेयर है वो निकल के सामने नहीं आएगा। बहुत अच्छा इसका निखार है, आप इसको बच्चों से भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के फेस पे बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं, उनके बॉडी फेस पे जो रोए होते हैं वो जब बचपन से निकलेगा तभी उनका बड़े होने के बाद क्लीन रहेगा बॉडी एंड फेस। तो देखिए मैंने यहाँ विटामिन का कैप्सूल भी ऐड कर दिया था, अब मैं अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। आपको मोटे लेयर में अप्लाई करना है, बिल्कुल भी पतले लेयर में अप्लाई नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका बेबी हेयर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, आपके फेस पे ग्लो नहीं आएगा, निखार नहीं आएगा, आपका स्किन पे जो भी दाग धब्बे वो दूर नहीं जाएगा। तो इसको क्योंकि ये अलग तरीके से थोड़ा होम रेमडी DIY है तो आपको इसको मोटा लेयर अपने फेस पे लगाना है। उसके बाद अब मैं ली हूँ यहाँ सूखा आटा। सूखा आटा ये थोड़ा सा गीला रहे तभी आपको छुड़ाना है, एकदम सूख जाए नहीं छुड़ाना है। तो फिर मैं यहाँ सूखा आटा ले लेके अच्छे से रगड़ रगड़ के छुड़ाऊँगी, और छुड़ाने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि रिज़ल्ट क्या है। रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है और इससे अच्छा रिज़ल्ट इस DIY मैंने कभी यूज़ नहीं किया, इससे अच्छा रिज़ल्ट मुझे बेबी हेयर के लिए कभी नहीं मिला। मेरे फेस पे जो भी हेयर थे जो भी बाल थे वो धीरे धीरे निकल गए, और आगे देखिए रिजल्ट क्या है। तो देखिए मैंने यहाँ धुल के अच्छे से गर्म पानी से धुल के फिर मैं आपको दिखा रही हूँ, अपने फेस को पैड ड्राई कर रही हूँ, उसके बाद देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। मेरा बेबी हेयर जो था आधा से ज़्यादा निकल चुका है क्योंकि मुझे हफ्ते में 2 से 3 दिन यूज़ करना है, उसके बाद इसका रिजल्ट धीरे धीरे दिखाई देगा। हाँ ये होम रेमडीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, मां कैसे करूँ उनका एक चैनल है वो शेयर की हुई है, काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट आया है। उन्होंने लगाया तो मुझे लगा ऐसे फेक है, लेकिन जब मैंने यूज़ किया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया, और आप भी ट्राई कीजिए आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत अच्छी एक क्रीम के साथ मिलूंगी मैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय। और मेरा साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर मेरा वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।